मिलता है। तो यहाँ पे कह रहे ना कि खनिजों का योगदान इसमें धारवाड़ क्रम में भी है और गोंडवाना क्रम में भी है, दोनों में हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी जीडीपी में इसका योगदान कम है, इसके लिए रीज़न क्या जिम्मेदार है? तो इसके लिए आपका कोई एक रीज़न जिम्मेदार नहीं होगा, कई रीज़न जिम्मेदार होंगे। पहला तो पहले से इतना दोहन हो चुका है, भंडार धीरे धीरे हमारा कम हो गया है। दूसरा, हमारे पास अभी भी इतना अच्छे से जानकारी नहीं है कि हमारे पास कहाँ पे कितने खनिज संसाधन हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी इतनी उन्नत नहीं है कि हम सस्ते में निकाल करके उसका परिशोधन करके उसका अच्छे से उपयोग कर दें। ऐसे आप और बहुत सारे सरकार के अंदर मोटिवेशन की कमी और इसके अलावा सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो जाएंगे। ये तो जब आपके मेन्स के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा तब, चूँकि आप लोग की प्रीति की तैयारी हो रही है तो उसी हिसाब से आप लोगों को बताया जाता है। जब आप लोगों के मेन्स ओरिएंटेड क्लास चलेंगे तब वहाँ पर खूब विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा और फिर वहाँ पर उसके जितने पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट है वो बताए जाएंगे। मेन्स में उसके पॉजिटिव भी पते होने चाहिए और निगेटिव भी, तब वहाँ पर बताया जाएगा कि आपके पास खनिजों का इतना रिसोर्स होने के बावजूद आप क्यों जीडीपी में उसका योगदान आपके यहाँ कम है, क्यों वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं रख रहे हैं, जबकि वो धारवाड़ क्रम में भी हैं धार्मिक खनिज के रूप में और गोंडवाना क्रम में भी हैं आध्यात्मिक खनिज के रूप में, फिर भी उनका योगदान कम क्यों है? उसके लिए कोई एक नहीं, बहुत सारे रीज़न जिम्मेदार हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी? हम लोग आगे बढ़े, अभी क्लास शुरू है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा आपका क्वेश्चन जो कल हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आप लोगों ने समझा था कि नहीं कल की बात को। जिसमें पहला था आपका बचाने का प्रयास करना, ये सब क्या है? कर अपवंचन के दायरे में आता है।
निकाल ले बचा ले जाए, कर देने से बच जाए, तभी क्या हो जाता है, कर बचाव हो जाता है और ये गैर कानूनी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कर विवर्तन। अपने ऊपर किसी पर दूसरे के ऊपर स्थानांतरित कर देना। यस बिल्कुल, आप प्रत्यक्ष कर जैसे, यानी कि कराघात किसी पे हुआ और उसने किसी और में उसने ट्रांसफर कर दिया, कराघात किसी और पर हो गया, उसने जानबूझ के इसको ट्रांसफर कर दिया, जैसे क्रेता उसने क्या हो गया कर पहुंचा। दूसरा मैंने आपसे बताया था कर आश्रय या टैक्स हैवन। कंट्रोल करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को कंट्रोल करेंगे तो पहला बढ़ जाएगा,
ये कौन बताता है? लॉरेंस बताता है। कर वंचना की प्रवृत्ति
की उच्च होने पर कर की वंचना की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर की वंचना यानी कि कर की चोरी, फिर रिपीट कर दे रहे हैं, तथा उच्च होने पर, अति उच्च होने पर कर वंचना की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर कर की दर कम करेंगे तो राजस्व में कमी होगी, और अगर अति उच्च होने पर कर वंचना की प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः कर की दर एक ऐसे स्तर पर होनी चाहिए, अतः कर की दर एक ऐसे स्तर पर होनी चाहिए जिसमें राजस्व प्राप्ति अधिकतम हो, जैसे होगा एक तरफ आपका होगा कर राजस्व रुपए में और एक कर की दर चलने लायक रहेगा तो मैक्सिमम लोग पे कर देंगे, ये बात है।
20% देना है, ठीक है। तो ये रुपए में और ये प्रतिशत में, नीचे प्रतिशत बता रहा है, ऊपर रुपया बता रहा है। तो ऐसा करें कि आपका जो है बहुत ज़्यादा रुपए भी ना देना पड़े और प्रतिशत में भी बहुत ज़्यादा ना देना पड़े। बात यह है कि दोनों में निकालें तो एवरेज आए, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसी को कहा है लाइफ वक्त सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया गया है, जो अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के। नेक्स्ट है आपका बच्चों हेडिंग, घाटे की विभिन्न अवधारणाएं एवं प्रकार, अवधारणाएं या प्रकार, घाटे की विभिन्न अवधारणाएं अवलिक प्रकार। बजट घाटा किसे कहेंगे, जब व्यय आय से कम, बजट घाटा। अच्छा मुझे बताएं, अगर व्यय आय से कम है तो क्या घाटा है, फिर तो सरप्लस में आ गए, क्योंकि घाटा कम हो गया, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप घाट, मतलब व्यय कम है पैसा ज्यादा तो घाटा कम हुआ, फिर कम जब प्राप्तियों से ज्यादा व्यय हो, और ऐसे में क्या करेंगे, व्यय में से प्राप्तियां घटा देंगे, जो ज्यादा रहता है उसी में से कम को घटा देते हैं ना। तो व्यय में से जब प्राप्तियों को घटा देंगे तो जितना व्यय बचेगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा। बजट में क्या आता है, बजट किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र से इतना इस बार फायदे होने वाले, इतना राजकोष में आएगा, तो उपलब्ध संसाधनों का जब अनुमानित या कहीं की एक संभावना के तहत या अनुमान के आधार पे जब आप विभिन्न मदों में खर्चा करने के लिए एक एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं, तो आपका बजट है और इसमें टोटल प्राप्तियां और टोटल व्यय होता है सरकार का, यानी कि बजट बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, और उसके बाद जो बचेगा व्यय वही आपका घाटा हो गया, या कुल व्यय में से कुल प्राप्ति।
बाकियां माइनस कर दीजिए तो ही आपका आ जाएगा। फिर इसी को कहेंगे बजट घाटा। और नेक्स्ट है आपका, अच्छा तो बजट आपने इस आधार पे घाटा तो आपने देखा बजट में प्राप्तियों से ज़्यादा आपका व्यय हो गया तो बजट घाटा, और अगर प्राप्तियाँ ज़्यादा और व्यय कम होता तब से क्या कहेंगे बजट आधिक्य, यानी कि आपने जो बजट आपने बनाया उसमें आधिक्य सरप्लस है। इसके अलावा अगर आपका आ जाएगा कि या कहिए कि इसके लिए आप कह सकते हैं बचत बजट ऐसा बजट जिसमें आप बचत कर रहे हैं, यानी कि घाटा अब ये ज्यादा चर्चा में रहता है।
सुबह मतलब सरकार ने कहाँ कहाँ बैठेगा, अब सुबह में सरकार जो केंद्र सरकार है जैसे आय जो कर है और निगम कर, इसको छोड़ के बाकी सभी करों में वो राज्य सरकार को हिस्सा देता है वित्त आयोग की सिफारिश पे। तो जो राज्य सरकार को हिस्सा दे रहा है उसको भी लोग व्यय मानते हैं, लेकिन सही मायने में उसने जो राज्य सरकार को दिया तो उस पैसे से राज्य सरकार ने कुछ परिसंपत्तियाँ भी क्रिएट की होंगी, हो सकता है स्कूल खोला हो सकता है अस्पताल बनाए हैं, हो सकता है कोई फैक्ट्री लगवाया हो अपने राज्य में। तो अगर उसने ऐसा किया है तो परिसंपत्तियाँ क्रिएट हुई हैं, और अगर वो परिसंपत्ति क्रिएट हुई है तब वो घाटा नहीं माना जाएगा, क्योंकि परिसंपत्ति प्लस माना जाता है ना, तो उसको घाटा नहीं माना जाएगा। तो इनके कहने का मतलब है टोटल राजस्व प्राप्तियों में से टोटल राजस्व व्यय को घटाएंगे, लेकिन उसमें से जो परिसंपत्तियां क्रिएट हो गई हैं उसको हटा करके। बस समझ आया, आसान है। टोटल राजस्व प्राप्तियों में से टोटल राजस्व व्यय घटाइए, लेकिन उस व्यय में से जो परिसंपत्ति क्रिएट हुई है उसको हटा करके आप राजस्व व्यय मानिए, उस परिसंपत्ति को व्यय नहीं मानेंगे आप, तब इसे कहा जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे आप व्यय को, और उस व्यय में से आप और क्या
यानी कि आपके पास जितना राजस्व है उसमें से आपको जितना आपका व्यय हुआ उसको घटाना है, और उस व्यय में से जो आपके अनुदान से परिसंपत्ति क्रिएट हुई है आप उसको पहले साइड कर लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, फिर जितना आपका कम होगा वही होता है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हालांकि ये भी नोट करने के बाद भी आप लोग उसमें उलझे ना, चलिए नोट कर लीजिए। बजट प्रबंधन अधिनियम की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। इसका प्रयोग राजस्व खाते से, इसका प्रयोग राजस्व खाते से, राजस्व खाते से संरचनात्मक या खाते में संरचनात्मक असंतुलन को व्यक्त करने के लिए, संरचनात्मक संरचनात्मक असंतुलन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग या असंतुलन को व्यक्त करने के लिए किया गया है, असंतुलन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है। ये बात समझ में आया? असंतुलन का मतलब है पहले सीधे हम कहते हैं राजस्व घाटा, जिसमें हम टोटल राजस्व प्राप्तियों में से या टोटल व्यय में से प्राप्तियों को घटा देते थे और मान लेते थे। लेकिन अब क्या कहा जाता है कि जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसमें से केंद्र सरकार राज्य सरकार को हिस्सा देती है, साथ ही साथ बहुत सारी योजनाओं के थ्रू उनको अनुदान भी देती है। अनुदान कहीं 40%, कहीं 60%, और पूर्वोत्तर के राज्यों में 90%, हिमालय राज्यों में 100%। तो जो अनुदान दे रहा है उससे जो परिसंपत्तियां क्रिएट हो रही हैं उनको घाटा क्यों माना जाए? उनको घाटा नहीं मानेंगे। इसलिए कहा गया कि ऐसी परिसंपत्तियों को जो पूंजीगत रूप से क्रिएट हुई हैं अनुदान से, इनको आप व्यय में से हटा दीजिए। उसके बाद जो व्यय होता है उसमें अगर जो घाटा बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। हाँ, जैसे अनुदान आप जितनी भी तरह का सरकार अनुदान देगी वो सारे अनुदान आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे वही आएंगे, क्योंकि अगर परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करें वो व्यय हो जा रही है तब तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई स्कूल कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, या जो है और कोई चीज़ का निर्माण हुआ, फैक्ट्री बना, तो परिसंपत्ति क्रिएट हुआ। लेकिन ऐसा है कि छात्रवृत्ति के रूप में बांट दिया, परिसंपत्ति नहीं क्रिएट हुआ। किसानों को दे दिए पैसे, उनकी ऋण माफी कर दी, ऐसी चीज़ों में जहाँ भी कोई परिसंपत्ति क्रिएट नहीं हुई ऐसे अनुदान को नहीं दिया जाएगा इसमें, ठीक है? इसमें और पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा।
राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच ऋणात्मक अंतर होता है। राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के व्यय भी शामिल होते हैं। राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं। जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देता है और इससे कई विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है इस व्यय को गैर विकासात्मक या अनुत्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक प्रकार का निवेश होता है। इस प्रकार केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में से उन खर्चों को जिनसे राज्यों में परिसंपत्तियां सृजित होती हैं घटाकर जो शेष बचे उसे ही राजस्व घाटा माना जाना चाहिए। प्रभावी राजस्व घाटे की प्राप्ति केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से Thank you.
सिक्के की मुद्रा कहते हैं और प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? Thank you.
देख देखिए, खूब स्माइल करिएगा और हमें भी अच्छा लगेगा।